नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर फरीदाबाद में बरसात हो रही है। इस बरसात का क्या कुछ फ़ायदा पहुंचेगा किसानों को और शहरी क्षेत्र में, वो हम जानेंगे। हमारे साथ एक किसान परिवार है, पहले हम इनसे जान लेते हैं कि कितना फ़ायदा बरसात का पहुंचने वाला, क्योंकि रुक रुक कर जो बरसात हो रही है उससे कितना लाभ मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? संगीता गुप्ता। संगीता जी, कितना फ़ायदा पहुंचेगा जैसे रुक रुक के बरसात हो रही है, खेतों के लिए कितना फ़ायदा है? आप खेती करते हैं। खेतों के लिए बहुत फ़ायदा है, हमारे खेत पे तो बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि हमने इस बार अप्रैल में अपना अर्थवर्क किया था। पूरी पेरिफेरी पे मेरे यहाँ पे ट्रेंच है, तो अभी तक जितनी भी बारिश हो रही है वो सब मेरी ज़मीन पर मेरे ही खेत को मिलेगी, तो बारिश का तो बहुत फ़ायदा है। जो फसलें लगाई हुई हैं उसमें कितना फ़ायदा पहुँचेगा, कौन कौन सी फसल में फ़ायदा पहुँचेगा? सभी फसलों में फ़ायदा पहुँचेगा, ये तो सीज़न ही है और किसान तो सारे साल इंतज़ार करता है बारिश का, तो ये बेस्ट सीज़न होता है फॉर ट्री प्लांटेशन। तो सारी फसलों में फ़ायदा पहुँचेगा, खासकर जैसे धान की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि धान में लगातार पानी चाहिए होता है। हालांकि जो सरकार है वो धान बोने के लिए कम ही लोगों को कह रही है और मना भी किया, उस पर सब्सिडी भी दे रही है। आप भी एक्सपर्ट हैं खेती के, क्या मानते हैं अब जो जिस तरीके से बरसात रुक रुक, हालांकि और जगह की अगर हम बात करते हैं हरियाणा की या और दूसरे प्रदेशों की, तो बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ से, यहाँ इतनी बारिश नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, तो कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, फ़ायदे की बात कर रहे हैं ना, इसको जीव जल बोलते हैं ना, पानी को, हर जीव को जल चाहिए, इसलिए बारिश तो हो रहा है ना, रुक रुक के बारिश होने से, अगर एक ही बार होने से फ्लड करके चला जाएगा, रुक रुक के पानी होने से परकुलेशन होने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। इसलिए अगर धान की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम लोग खेती करें इसके लिए पानी का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब किसान लोग करने से वो बहुत फायदेमंद होता है, वरना हार्वेस्टिंग के बिना वो फायदेमंद का कुछ भी बात नहीं है, ताकि वो पूरा बहकर वो नदी को पहुंचेगा, नदी से समुंदर को पहुंचेगा, बस। तो साफ तौर पर कहने के पानी को जो है स्टोर करना चाहिए, आप क्या मानते हैं बरसात से जो एक तो गर्मी से भी राहत मिली है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, अब बरसात हो रही है लगातार, कभी मौसम बदल रहा है। गर्मी से तो रात मिलेगी, पर किसानों की बात करें तो ठीक है, डेफिनेटली किसानों को तो फ़ायदा होएगा ही होएगा, पर क्या है कि इन दिनों किसानों ने क्या करा है कि पेड़ लगाने अपने खेत में, आपने देखा होगा हरियाणा में, खासकर हमारी फरीदाबाद बेल्ट में खेतों में पेड़ बहुत कम है। जितना पेड़ रहेगा उतना ही बरसात का पानी का बेनिफिट मिलेगा, पेड़ क्या है बरसात के पानी को होल्ड कर लेता है, तो यहाँ के जितने भी आसपास किसान हैं उनको कुछ हमें इनकरेज करना चाहिए कि तुम बीच में पेड़ लगाओ। जैसे सरकार ने नारा दिया था हर मेड़ पे पेड़, कहीं ना कहीं किसान को कन्फ्यूजन थी कि मैं पेड़ लगाऊंगा तो कल को काट पाऊंगा नहीं काट पाऊंगा, मेरी फसल होएगी नहीं होएगी, बट हमारी सरकार जब हर मेड़ पे पेड़ का नारा दे रही है तो जितने पेड़ लगाएंगे हर खेत में कम से कम एक एकड़ में 10-12 अगर पेड़ होंगे तो ये बरसात का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज तो कहने में है कि गर्मी कम हो रही है सबको फ़ायदा है, पर ये पानी कहाँ जा रहा है? बरसात का पानी ज़मीन में जा रहा है तो फ़ायदा है, बरसात का पानी अगर नाले में चला गया नहर में चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक समझने वाली बात है कि फ़ायदा लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत हर एक को करनी पड़ेगी। तो बरसात के पानी का फ़ायदा लेने के लिए हर एक को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र में तमाम सड़कें टूटी हुई हैं और इसके कारण जगह जगह जलभराव हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को इस पानी से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होती है और जो पानी भरा है उसकी वजह से गड्ढे उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जहाँ भी पानी भर रहा है उस पानी को वहाँ से हटाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो बरसात हो रही है किसान उसका भी फायदा ले सकें।